हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेचर फॉर यू। आज मेरे चैनल पे आपने देखा थंबनेल को और टाइटल को कि कौन सा वेनेगर हमें प्लांट के लिए यूज करना चाहिए। तो आज मैं यही आपने वीडियो में बताने वाली हूँ कि हमें कौन सा वेनेगर हमें प्लांट में डालना चाहिए, और इसके साथ साथ हम जल्दी से ये जान लेंगे कि वेनेगर होता क्या है, वेनेगर कैसे बनता है, वेनेगर कितने टाइप का होता है, हमें प्लांट्स में वेनेगर को कितना यूज करना चाहिए, गार्डनिंग में वेनेगर क्यों ज़रूरी है, ज़्यादा वेनेगर यूज करने से क्या होगा, कितना क्वांटिटी में हमें वेनेगर डालना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हम आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं वेनेगर होता क्या है। वेनेगर जो होता है एल्कोहलिक लिक्विड को फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है, जो कि एक तरह का फर्मेंट जूस होता है। आप ये कह सकते हैं कि वेनेगर जो है अपने आप ही एक प्रोडक्ट हमें फ्री में मिल गया है। ये फलों का अल्कोहल बनाया जाता था, ये फर्मेंट जो हो जाता था उसे फेंक दिया जाता था, लेकिन बाद में इसका यूज काफ़ी अच्छा दिखने लगा तो लोग इसे यूज करने लगे। तो ये कह सकते हैं कि ये वेनेगर जो एक नया प्रोडक्ट है, जो कि हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, हमारे बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद होता है। ये नारियल से बनाया जाता है, खजूर से बनता है, शुगर केन से बनता है, शहद से बनता है, बहुत सारी नेचुरल चीज़ों से, जैसे फलों के जूस से बनता है। इसी से इसका टाइप डिसाइड होता है, जैसे बालसमी हो गया, राइस हो गया, शुगर केन हो गया, एप्पल साइडर हो गया, माल्ट हो गया। इसका यूज किचन में किया जाता है, यानी कुकिंग में किया जाता है, और क्लीनिंग में किया जाता है, प्लांट्स में किया जाता है। आज मैं आपको प्लांट में यूज करके दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ और कितना कितना यूज करना चाहिए। गार्डनिंग में वेनेगर मेन काम सॉइल के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, यानी सॉइल की एसिडिटी को इम्प्रूव करने के लिए वेनेगर का यूज किया जाता है। लेकिन पहले हम बात करते हैं सिंथेटिक वेनेगर, जो कि मार्केट में छाया हुआ है, और लोग उसी सिंथेटिक वेनेगर को कुकिंग में भी यूज करते हैं, प्लांट में भी यूज करते हैं, घरों में यूज करते हैं। तो घरों में यूज करना तो बेहतर है, चलेगा, जैसे क्लीनिंग हो गया, बाकी और भी चीज़ों में जो इस्तेमाल होता है, लेकिन कुकिंग में हमें ये सिंथेटिक वेनेगर को नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि ये एस्टिक एसिड से बनाया जाता है, जो प्योरली केमिकल होता है। लेकिन नेचुरल एस्टिक एसिड हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जो भी केमिकल चीज़ें बनेंगी वो हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, तो हमारे प्लांट्स के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। तो जो वाइट वेनेगर क्लियर वाला होता है, जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हैं इसको, ये पानी जैसा बिल्कुल होता है। ये मेरे पास एप्पल साइडर वेनेगर है, इसे ही मैं हमेशा यूज करती हूँ, चाहे कुकिंग हो, क्लीनिंग हो, चाहे खुद पीना हो, या फिर पौधों में डालना हो, सबके लिए मैं रखती हूँ। सिंथेटिक वेनेगर का रेट इतना कम होता है कि लोग खरीद लेते हैं सस्ते के कारण, तो मैं इसको रखती हूँ साइड में, और मैं सिर्फ आपको एप्पल साइडर वेनेगर का यूज ही बताऊंगी अपने प्लांट्स में, कहाँ कहाँ कितना कितना और कैसे यूज करना है। ज़्यादा ध्यान इसमें वेनेगर डालते वक्त ये रखना चाहिए कि कभी भी वेनेगर जो है ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना चाहिए। सबसे ज़्यादा जब भी हम गार्डनिंग में यूज कर रहे हों, तो सबसे ज़्यादा जो है हमें सॉइल में डालते वक्त ध्यान रखना चाहिए, यानी कि हमेशा एक रेशियो बना करके डालना चाहिए, और सबसे डाइल्यूट किया हुआ वेनेगर जो है हमें सॉइल में ही डालना चाहिए। जैसे अगर कीड़े के लिए आप यूज कर रहे हैं, पत्तियों के ऊपर छिड़काव करने के लिए यूज कर रहे हैं, तब तो थोड़ी क्वांटिटी ऊपर नीचे चल सकती है, लेकिन जब भी आप सॉइल में डाल रहे हो तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जितना कम से कम, बल्कि अगर आपको अंदाज़ा नहीं है तो कम से कम की ओर जाएं, तो आप सॉइल की पीएच लेवल को बढ़ा देगा और वो आपके सॉइल को ख़राब भी कर देगा। जो भी फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं और फ्रूटिंग वाले प्लांट होते हैं, उसमें पीएच लेवल जो है सॉइल का हमें ज़्यादा रखना ज़रूरी होता है, और ख़ास करके जैसे गुलाब हो गया, गार्डेनिया फ्लावर हो गया, हिबिस्कस फ्लावर हो गया, इस टाइप के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें ख़ास करके हमें उसके सॉइल को, पीएच लेवल को बढ़ा के रखना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा डालना पड़ता है, तो ये गार्डनिंग करते करते आइडिया हो जाता है, उसमें आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आप नेचुरल वेनेगर ले रहे हैं तो वेनेगर जो होता है ऑर्गेनिक होता है, इसलिए आप गार्डनिंग में जहाँ भी चाहे बिल्कुल बेधड़क यूज कर सकते हैं, आपके प्लांट्स में कोई केमिकल नहीं जाएगा। अब आपको मैं दिखाती हूँ कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज करना है हमें वेनेगर को। तो सबसे पहले अगर वेनेगर को डाइल्यूट करके पत्तियों पे स्प्रे करते हैं, तो आपके प्लांट्स की पत्तियां जो है बिल्कुल शाइनी, दस ग्रीन और बहुत हेल्दी दिखेंगी। तो उसके लिए हमें जो है, अगर आप 1 लीटर पानी लेते हैं, तो उसमें आप
दो ढक्कन यानी कि दो स्पून आप डालिए उसमें, ढक्कन डालूंगी। ये फ्रूट वाला है इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाता है। देखिए मैं अक्सर यूज करती रहती हूँ, आप पत्तियों को और फ्लावर को देख रहे हैं इस पर, फिर भी इसमें आप इतने पानी में 3-4 लीटर ना, 3-4 ढक्कन ना डालें। ये चौड़ी जो पत्तियाँ होती हैं उस पर आप स्प्रे करके उन पत्तियों को पोंछ देते हैं तो पत्तियों में काफ़ी अच्छी साइन हो जाती है, जैसे चौड़ी चौड़ी पत्तियों को साफ करना ईजी भी होता है। जो बारीक पत्तियाँ होती हैं उन्हें थोड़ा पोंछना तो मुश्किल होता है, लेकिन इस तरह से आप स्प्रे करते रहेंगे तो ये कुछ कुछ दिन पे क्लीन हो जाता है। इस तरह से क्लीन करना है इसको। मैं इसको सॉइल में डालने के लिए यूज़ करूँगी, सिर्फ मुझे एक ही प्लांट में डालना है क्योंकि मैं अक्सर डालती रहती हूँ, आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैं ये कर रही हूँ। ये देखिए आधे चम्मच से भी कम है और इसको मैं डाइल्यूट करूँगी। सॉइल में डालने के लिए हमें विनीगर का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल भी क्वांटिटी ज़्यादा यानी। इस फ्रूट विनीगर को आप सीड को जर्मिनेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं यानी कि 50-50 ले सकते हैं। इसे 3-4 घंटे के लिए इसमें डिप करके छोड़ देना है, या आप डायरेक्ट कोई सीडलिंग कर रहे हैं तो उसके सॉइल में भी आप डाल सकते हैं, उसके आसपास के सॉइल में डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा आपको इससे ज़्यादा डाइल्यूट करना पड़ेगा, यानी कि आप 25% अगर आप हैं तो 75% वाटरिंग वहाँ पर कर दें सॉइल में जहाँ पर आप सीड लगा रहे हैं। ये देखिए मैंने इसको लगाने के लिए रखा है, इसको मैं डायरेक्ट सॉइल में डालूँगी और ये जहाँ पर सीड डालूँगी उसके आसपास ये वाटर को डालूँगी। ये देखिए जैसे मैं इसके किनारे के ऐसे डालूंगी इसको, इस पर ऐसे स्प्रिंकल जैसा थोड़ा थोड़ा करके डाल देना है, इससे फंगस भी नहीं लगेगा और सीडलिंग में हेल्प मिलेगी और सॉइल की कंडीशन भी सही रहेगी। अगर आपके गार्डन में कुछ बड़े बड़े एनिमल जैसे गिलहरियाँ, बिल्ली, चूहे और कबूतर ये आपके गार्डन में आते हैं, आपके गार्डन को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब आप अपने गार्डन में विनीगर को डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी कि सीधा आप इसे लीजिए। ये डाइल्यूट करने की यहाँ पर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर आप बिना डाइल्यूट किए विनीगर को यूज कर सकते हैं और इसको क्लॉथ में जो है ऐसे कॉटन में चाहे किसी चीज़ में डिप करके डायरेक्ट बिल्कुल रख दीजिए, कहीं पर भी जहाँ पर भी आपके आते हों एनिमल्स जो है जिससे आप बचना चाहते हैं, इस तरह से रख दें जहाँ पर नुकसान का आपको डर लगता है वहीं पर रखें, क्योंकि इसका स्मेल जो है बिल्कुल पसंद नहीं आता है एनिमल्स को। इस तरह से फ्लावरिंग वाले प्लांट पे इस तरह से आप हमेशा वीक में एक बार, या अगर प्लांट में कोई फंगस लगा हुआ हो या फिर कोई मिली बग्स लग गया, पाउडर मिली बग लग गया हो, तो हमेशा रेगुलर रूटीन पे आप ऐसे स्प्रे करते रहें तो कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं और पत्तियाँ भी चमकती रहेंगी। फाइल में भी रेगुलर रूटीन पे आप इसको करते रहेंगे तो कभी फंगस नहीं लगेगा, और अगर आपके प्लांट्स में फंगस लग गया हो या कोई मिली बग का अटैक हो गया हो, कोई भी इंसेक्ट आ गया हो जिसे आप हटाना चाहते हो, तब इसे आप 2-3 दिन पे रेगुलर रूटीन में आप इसे स्प्रे करते रहें तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है ये प्लांट। हर मामले में विनीगर जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, यहाँ तक कि अगर आप अपने गार्डन में खरपतवार से या वीड से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हो गया हो, हटाना चाहते हो, तो उस खरपतवार के ऊपर अगर आप डाल देते हैं तो वो जो है बिल्कुल बर्न हो जाता है अगर आप डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन डायरेक्ट तभी डालें जब उस गमले में आपका कोई मेन प्लांट ना लगा हो, जो यूज़ करने वाला प्लांट ना लगा हो, तभी आप डायरेक्ट डालें। अगर डायरेक्ट डालना है तो उस प्लांट में डालें, उस वीड्स में डालें जिसमें कोई और एक्स्ट्रा प्लांट ना रखा लगा हुआ हो, नहीं तो आपके मेन प्लांट्स को बिल्कुल बर्न कर देगा। अब मैं आपको लास्ट इसका एक यूज़ बताने वाली हूँ कि जो हमारे गार्डन में जो है इस तरह से जो टूल्स हम यूज करते हैं वो जंग लग जाता है, तो इसे आप इस विनीगर से बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसमें पानी पहले डाल देना है,
पूरी तरह से इसमें डिप हो जाना चाहिए, और ज़्यादा डालना है इसमें विनेगर ताकि ये इसके रस्ट को अच्छे से क्लीन कर सके, और इसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप भी डाल देना है, और कम से कम एक घंटे के लिए तो ज़रूर इसको भिगो के छोड़ दें। और इसे जो गमले पुराने जैसे हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, उसे भी आप इस तरह से कपड़े में डाल के क्लीन कर सकते हैं। इसमें भी आप थोड़ा सा सोप डाल सकते हैं और इस तरह से डाल के क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करते रहने से गमले की सफाई कुछ कुछ दिन पे हो जाती है, तो ये गंदगी बैठती नहीं है इसमें। ये देखिए, थोड़ी देर अगर लगा के छोड़ देते हैं तो और बेहतर रिजल्ट मिलेगा आपको। ये देखिए, थोड़ी देर के बाद अब इसका रस्ट में मैं हटाऊंगी, तो ये हटाने में मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए, तो अगर आप और ज़्यादा देर तक रखेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से क्लीन होगा। देखिए, ये काफ़ी साफ़ हो चुका है। और मैं एक जगह और इसका यूज़ करती हूँ, देखिए, जो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ उसमें भी मैं विनेगर को डाल करके छोड़ देती हूँ, और ये और ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है और ज़्यादा ये पौधों के लिए यूज़फुल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए कितना यूज़फुल रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मिलते हैं आपके साथ दूसरे वीडियो में दूसरे प्लांट के साथ और